छठी मैया नमस्कार, हमें आना रुआ देख रहा बनी मैच बॉक्स। और आज देखी गोपीपतियाओं के छठ घाट पर हम पहुँचल बनी और यहाँ छठ घाट एवरी बड़ी शानदार लाग रहा बा। और सबसे बड़ा चीज का बनू कि नया छठ घाट बनल हो, एकरा पहले छठ होने काफ़ी दूर और काफ़ी लचर व्यवस्था में कल जात रहा, लेकिन यहाँ के स्थानीय मुखिया रंधा शाह जी के बड़ा कठिन परिश्रम से बड़ी मेहनत के बाद पूरा एरिया जोन बा भावली जमीन है एकरा के एक्वायर कल गल बा। काफ़ी सारा यहाँ पेड़ रहा पुरान पुरान, वो पेड़ सन के काट के और जगह के खाली कल गई। ओकरा बाद देखी कि एक समान एक साइज में पूरा रो में और काफ़ी स्पेस दे करके पूरा छठ के बीच में जितना सिर सोपता बनल बा ओकरा बीच में स्पेस बा कि देख ली रुआ कि अगर चारों तरफ से भी लोग बैठे नू तो धक्का मुक्की ना हुई और पूरा फैल रही, पूरा आसानी रही। ओकरा अलावा अर्घा देवे खातिर भी जौन पोखरा बा पोखरा के दू तरफ घाट के निर्माण जौन बा भइल बा। एगो पहले से निर्माण भइल ह, अभी आज एगो जौन बा घाट बा एकर निर्माण भइल ह, ओकरा बाद एकर उद्घाटन भी भइल ह। फीता काट के रुआ खुद देखनी ह कि यहाँ पर अजय भास्कर चौहान जी मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष आइल बानी, ओकरा अलावा तमाम रघुनाथपुर क्षेत्र के मुखिया यहाँ पर मौजूद बने। ये पूरा इलाका देख ली, ओकरा अलावा ये पोखरा के चारों तरफ से जौन बाबे ईंटकरण के भी काम भइल बा, ईंटकरण भी यहाँ कल गल बा। रुआ साफ देख सकतनी कि जौन बा वित्तीय वर्ष 24-25 में एकर आज सरकारी पोखरा पर छठ घाट के निर्माण जौन बा कल गल ह। रुआ साफ देख सकतनी, एकरा अलावा देख ली कि चारों तरफ से ईंटकरण ताकि पर बाद में चारों तरफ से छठ करे में दिक्कत ना हुई या बाद में वॉक करे में दिक्कत ना हुई, ये पूरा घाट के व्यवस्था बटे। साथ ही साथ यहाँ पर उद्घाटन जौन बाटे एगो कब्रिस्तान बा ओकरा बाउंड्री चारों तरफ से बाउंड्री भइल बा ओकर भी भइल। रउआ पूरा एरिया देख ली कितना सुंदर यहाँ लाग रहल बा। अब यहाँ छठ हुई तो बड़ा शानदार देखे में लागी। फिलहाल हम चलतनी अतिथि लोग से बातचीत करे कोशिश करतनी। यहाँ पर अतिथि के तौर पर अजय भास्कर चौहान जी पहुँचल बनी यहाँ के फीता काट के उद्घाटन करी। मुखिया जी इतना शानदार छठ घाट आई पहले ना होत रहा, मुखिया जी लो ना करा होत रहा। अब इन्हें देखे के मिलत है कि काफ़ी बढ़ चढ़ के मुखिया जी या BDC लोग मतलब एकरा के काम करा रहा बा और अब एकर परिणाम बा कि बड़ा सुंदर लागत था। यहाँ भी देखी तो कितना सुंदर लाग रहा। धन्यवाद ज्ञापित करें युवा मुखिया बनी रंधा कुमार जी। आ पूर्व में भी हम हर वक्त रौरा चैनल के माध्यम से या
रौरा लोग के माध्यम से जनता में हर वक्त हम संदेश देले बनी कि प्राइमरी लेवल पर जितना मजबूत स्थिति से पंचायत के सम्मानित प्रथम सेवक के रूप में मुखिया जी लोग जितना हर कार्य में छठ के कार्यक्रम होके दीपावली होके कोनो भी कार्यक्रम पंचायत में बा उस सुख के घड़ी बा चाहे दुख के घड़ी बा प्रथम सेवक के रूप में सब लोग एफोर्ड लगा के ताकत लगा के पंचायत के मालिक लोग के सेवा देवे के कार्य करेला। हाँ तनि से उपेक्षित रह जानी जा कहाँ ऊपरा जौन लोग बैठल बा वो लोग से उपेक्षित हो जानी जा। अगर सत्ता में बैठल शीर्ष के लोग थोड़ा सा और जौन पंचायत में शक्ति निहित कर गेल बा अगर थोड़ा सा ओकरा के और इम्प्रूव कर देल जाए तब विश्वास के साथ हर वक्त बतावे के चाहे नियम कि पंचायत के मालिक लोग के कौनो काम खातिर ब्लॉक ना जाए के पड़ी हर वक्त हम कहे नहीं। आज देखत भी बने कि युवा मुखिया बनी रंधा भाई जबकि हमारा जौन में जौन में लौकत कुछ ऐसा कार्य बा जौन सरकारी निधि से भैल आ कुछ ऐसा कार्य बा जैसे छठ माई के जौन बनल बा वे प्रतिमा जौन बनल बा निधि के माने पैसा से ना हो बात हम जानते नहीं। बगल में जब मान ली कि राउर बनल बा वे कब्रिस्तान के घेराबंदी सरकार के पैसा से सरकार के पैसा के संगे संगे व्यक्तिगत एफोल्ड भी पंचायत के प्रथम सेवा लोग मालिक लोग के सेवा खातिर समर्पित रखेला चढ़ बढ़ के क्वालिटी देखेम क्वांटिटी देखेम प्यार देखेम व्यवस्था देखेम तो इमें कहीं दूर आए नहीं कि जितना ताकत से ये लोग काम करेला उतना ताकत से दूसर प्रतिनिधि ना करेला। आग्रह करें पूरा माध्यम से सरकार से कि थोड़ा सा और शक्ति देहला के दरकार बा पंचायत के जौन शक्ति बा पंचायती राज व्यवस्था में जौन एक्ट बा जौन नियम बा पूरा जिला के कोनो कोना में चल जाएंगे। हमने के रघुनाथपुर से भी मुखिया जी जगाइल बनी सर चल गई नहीं हमें रघुनाथपुर में भी वहाँ के नरहन पंचायत में बेहतरीन छठ घाट रौरा लोग के माध्यम से हमने के पिछला साल देखले रहनी जा मतलब होड़ लागल बा हर पंचायत के मुखिया जी लोग जितना जिकरा लगे शक्ति बा लगा के मालिक लोग के सेवा करे खातिर वो चाहे हिंदू के त्यौहार हो के चाहे मुसलमान के त्यौहार हो के। तो हम तो रौरा लोग से आग्रह करें कि रौरा लोग के ताकत चूँकि ऊपर में सत्ता में बैठल लोग के लगे ले जाला आ जे भी हमारा आवाज़ के सुन पावेला देखेला जरूर हम आग्रह करें कि जरूरत बा रौरा लोग के सहयोग के पंचायत के व्यवस्था के डेवलप करे के पंचायत में जो शक्ति निहित बा पंचायती राज एक्ट में तो उन्हें के रौरा लोग दे दी अगर दे दें तो जे मालिक लोग खातिर रौरा लोग भी बैठ के आवाज़ बनतनी विधानसभा विधान परिषद में ये पंचायत के मालिक लोग के कार्य और सुगमता से और तत्परता से और सरलता से और जल्दी निष्पादित पंचायत से ही हो जाए। तो हर वक्त हमार परिकल्पना भैया यही रहल बा कि मालिक लोग के सेवा बेहतरीन तरीका से करे कोशिश कर दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हरुआ का कुछ कहे के चाह इतना सुंदर व्यवस्था हो गई। लेकिन सबसे पहले तो मैच बॉक्स के जो भी श्रोतागण बा सबके हमारे तरफ से सादर प्रणाम बा और रंधा जी हमारे काफ़ी प्रिय मित्र बने और साथ ही साथ नए युवक मतलब एकदम नया मुखिया बने और हम भी साथ में खराय पंचायत से एकदम नया मुखिया बने तो हमने के दोस्ती काफ़ी अच्छा बावे और हर कार्य में यहाँ के हमारा केहन जानी और हम यहाँ केहन जरूर आवे नहीं। लेकिन हम तो ये चीज़ देखा था नहीं कि लोग के भी सोचे के चाहें कि पीछे के तरफ जाके देखे के चाहें कि जे पुरान मुखिया जे का कैले बा और हमनी के नया बनी जा तो उन का कैले बनी जा। ई बात भैया एकदम बिल्कुल सही कहनी है कि केहू के पर्सनल तो बेनिफिट हमनी के ना पहुँचा पाए जा वही हमनी के कुछ झूठा बन जाने जा चाहे दिक्कत हो जाला। लेकिन सरकार के तरफ से जितना भी कार्य आवेला हमनी के पंचायत में ईमानदारी और जिम्मेदारी से वो पैसा के हमनी के अपना पंचायत में खर्च करे नहीं जा और कोशिश करे जा कि अपना अपना पंचायत के गोपीपतिया पंचायत में पहले रहुआ देख लो के हम चाहे अभी भी देख लो के हम और हमारा पंचायत के भी कहीं भी रहुआ जाए तो लागे कि हाँ काम भइल बा हमनी के काम पे विश्वास के लिए बन जाए लोग हमनी के वोट दी कि ना दी का करी ना करी नाम तो रही ना अब भाई जिंदगी भर खातिर रंधा मुखिया के नाम रहे रंधा मुखिया मुखिया रहें चाहे ना रहें लेकिन ये चीज़ लोग कही हमेशा कि रंधा मुखिया बनैले रहनी एगो मुखिया जी भई रहनी तो एकरा से ज़्यादा गर्व के बातें नहीं हो सकत हमने खातिर कि नाम चलो आ नाम होके पैसा तो कहीं से ना कहीं से आदमी कमा ही लेला अरे ई ना करम जा कुछ और करम जा कुछ और करम जा दुकान कर लेम जा लेकिन पैसा खातिर सब कुछ ना होला मतलब बा कि हमनी के एक ही फोकस बा कि हमनी के अगर मौका जनता देले भी आ हमनी के जनता पंचायत के मालिक अगर हमनी के मौका देले बा तो हमनी के इतना काम कर देवे बा कि जिंदगी भर लोग याद करो कि वाकई में नया लोग के चुननी जा तो ऊ कुछ कैलसन
और यहाँ पे उहे भइल बा कि नया मुखिया रांधा जी अपना पंचायत के सजावे में लागल बनी। रुवा कुछ दिन के बाद आयम तो एंट्री करे में पंचायत में तबो लागे कि मुखिया जी के नाम कहीं लिखल बा, एगो एंट्री हो जाए कि गोपीपतिया पंचायत में आप सभी का स्वागत है। और अंदर आयम तो रुवा देखिए मंदिर बा, पोखरा बा, घाट बा, छठ बा, या कब्रिस्तान बा, देखिए कितना मतलब बेहतर चीज़ बा, या सुंदर लागता, बोलो मिनी ब्लॉक बा हो दे, आंगनबाड़ी बा, मतलब देख के लागत है ना कि पहले ने आवे में सोचे के पड़त रहा। तो ये मुखिया जी के भी देन बा, और हम चाहे मुखिया जी से हाथ जोड़ के कहें कि एगो भाई होने के नाते मतलब दूसरा जगह से आइल बनी, हम कहें कि अपना पंचायत में जगह हमनी के काम करते हैं, रहू अपना पंचायत में इतना काम करें कि लोग के मजबूरी बन जाओ कि कहो कि हमरा के कुछ फायदा देलस चाहे ना देलस, कॉलोनी देलस चाहे ना देलस, लेकिन पंचायत में काम कैले बा। बस ये कह के हम अपना वाणी के विश्राम देम। जय हिंद, जय भारत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी बनी। यहाँ पर रंधा भाई कितना मेहनत से ही बनल है, क्या हमारा जहाँ तक पता बा कि बड़ा छोट जगह पर दूसरा जगह छठ होत रहा आ एक खातिर बड़ा मेहनत करे के पड़ल। सबसे तो पहले रउआ बहुमूल्य समय निकाल के हमारा यहाँ समय देनी, 2 घंटा से काफ़ी इंतजार कनी, हमारा की ओर से धन्यवाद बा। और हमार प्रिय मित्र आशीष जी वहों के बहुमूल्य समय देने वहों के धन्यवाद बा हमारी ओर से। हाँ हमनी के मुखिया संघ जिला अध्यक्ष के बहुत बहुत धन्यवाद बा, यहाँ के बहुत काफ़ी समय से इंतजार करनी सन, लेकिन जिला से चल के यहाँ के एक ही मेरिट बा कि जो वादा करनी तो पूरा करनी, हमारा फुल गारंटी रहा कि यहाँ के बोल ले मनी तो आए। बाद से चुनाव जब हम लड़नी छठे घाट के वादा करके लड़नी कि अगर हम चुनाव जीते तो छठ घाट के एकदम जगह जौन भी बा हम चेंज कर देब। एमे से मात्र जून से लागल बानी हम, देखी पोखरा के सफाई बा, पोखरा के सफाई यहाँ गड्ढा रहला कम से कम 5 फीट, सब मिट्टी उट्टी भराई करके वहाँ पुराना जगह से यहाँ स्थापना करके अपना ग्रामीण जनता लोग के जौन भी आश्वासन हम दिले रहनी हाँ एक पूरा कैनी हाँ। जौन वह आश्वासन रहला तहन वह आश्वासन पर तो खड़ा उतरे के पड़ी, न तो फिर आगे मुकाबा। ओकरा बाद जौन भी मुख द्वार के भी वादा कैले रहनी हाँ, फिर वहाँ भी काम लगा दिले मैंने मेन गेट के फिर रउआ। चलिए बहुत शानदार काम कैले बनी, और शानदार काम जौन बा दिखता, और गांव के लोग जौन बा भी यहाँ पर मौजूद बा। रउआ का कुछ कहे के चाहब? अरे हम तो ये कहे चाहता नहीं कि मुखिया जी जौन वादा कैनी ऊपर एकदम बिल्कुल खरा साबित उतरल बानी, और वह मैच बॉक्स के माध्यम से हम पहले भी कहले रहनी आ कि हमरा गोपीपतिया पंचायत में झंडा गड़ा गेल बा, जीत के लहर दौड़ा दिले बानी, हम सीना ठोक के कहले रहनी। आ वो हमने के जितना भी युवा वर्ग के साथी बनें उ सब ऊपर खरा साबित उतरलें, और हमने के दिन रात एक करके मेहनत करके जौन है हमने के 5 से 5.5 फीट गड्ढा रहा एक भरवा के छठ के प्रतिमा बनवनी सन। अभी रोबा आई लोग तो शायद देख लो है मुख द्वार के एगो गेट के काम चल रहा बा, तो ओहू पर चल रहा बा काम। हमने के जितना युवा वर्ग के साथी बनें दिन रात एक मेहनत कैनी सन, पोखरा सफाई करवनी सन, मंदिर के सामने छठ के थी कनी सर देखी कम से कम 12 कट्ठा में छठ घाट बनल बाड़ी, आ काफ़ी सराहनीय काम भइल बा। अब व्यक्तिगत तो फायदा मुखिया जी दिलवाएम ना, लेकिन सामाजिक काम जौन भइल बा काफ़ी सराहनीय भइल बा, चाहे रोड के माध्यम से देखी, मुख्य द्वार के माध्यम से देखी, छठ घाट के माध्यम से देखी, कहीं से उठा के देखें कार्य के मामला में तो काफ़ी सराहनीय काम भइल बा। अब रह गए व्यक्तिगत फायदा के तो उसे कुछ ऐसा हो सकेला कि कुछ लोग नाराजगी हुई, लेकिन सराहनीय बा कि सामूहिक काम जौन भइल बा, सामूहिक काम काफ़ी सराहनीय बा। बस हम इतने कहे चाहते नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। का कहे के चाहब चचा, कितना सुंदर काम हो गई बा? हम तो इतना खुश बनी मुखिया जी जब जीतनी, हम गोपालगंज को बराती गए रही। अच्छा जिला परिषद बनवल रहा यहीं पोखरा रहे चौगोठिया बनवल रहा, हम मुखिया जी जीतनी तो हम कहनी ये मुखिया जी 4-5 साल रिपीट यहाँ कहीं बाकी ध्यान देनी कि ना देनी। हाँ अथी कहनी हमारा इतना खुश बनी जो हमारा सपना पूरा हो गए, वो हम देखले रहनी। हम मुखिया जी से जीतनी तो रिपीट कहनी कौ बार कहनी जो मुखिया जी को हम देखनी एक रंग के एक गेरुआ में एक भंगवा रंग के छठ रही, हमारा इतना खुशी भाई आ यहाँ के हम आके 4-5 बार रिपीट कनी आ लोगों से हम सुनाई आ वो आज हमारा सपना पूरा हो गया। चल आ एक और ही बात बा, एक आध गो यहाँ के ऐसा काम कर दिले बनी
जौन कि भविष्य में हो कि ना हो। हमारा मठिया यहाँ मठिया बा एगो विष्णु मठ के नया रोड रहा सपना में हमनिक नाला जी रास्ता हो एगो दूधहा पर एगो हमनी यहाँ टोला पड़ रहा दूधहा टोला यही में गाँव है एगो नया रास्ता हो गए ओहू का सपना ना रहला एगो और हमारा यहाँ काली बाई के बीच में रास्ता ना रहे कितना मुखिया अल कितना गोल एगो हमनिक देखे के लग गई एगो हमनिक जिंदगी में लग गई हमनिक सपना पूरा हो गए बहुत खुशी के बात। चलिए बिल्कुल बहुत खुशी के बात बटे और सपना पूरा भइल बटे। रउआ का कुछ कहे के चाहब इतना सुंदर व्यवस्था हो गई ना, ना बहुत सुंदर व्यवस्था बा और आस्था के पर्व बा और ये पर्व खातिर जे भी पंचायत के जनता के वोट से जीतल प्रतिनिधि बा लोग और ये आस्था के पर्व के अच्छा बनाई लो तो जनता काफ़ी खुश हुई और काफ़ी विश्वास जताई और आशा ना पूरा विश्वास बा कि हर एक पंचायत में ऐसा विधि व्यवस्था होके के चाही और हमारा पंचायत में भइल एक हते दिल बहुत सुंदर माने खुश बा और काफ़ी जनता खुश बारी बालो आ चाहता लोग कि ऐसा व्यवस्था हर जगह होके के चाही। चलिए यहाँ पर सोनू जी बनी यहाँ के डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर का कुछ कहे के चाहब इतना बढ़िया व्यवस्था इ तो व्यवस्था दिल छू देवे वाला बा नया चीज़ हमारा पंचायत में हमारा गांव में ना एक बोध बुझी कि पूरा रघुनाथपुर प्रखंड में हुई आ हम रउआ मैच बॉक्स के माध्यम से ये कहें कि हमारा गांव के मुखिया जी बनी हमारा पंचायत में BDC बनी तो इतना अच्छा विकास भइल बा और भी आगे चुनाव बा अगर तमाम मतदाता से हम आग्रह करें कि रउआ लो आवे वाला दिन में भी और भी चुनाव बा जैसे पैक्स के सामने चुनाव बा रउआ लो अगर वो में मौका देता नहीं तो आवे वाला दिन में हमनी के प्रयास करम सो कि गोपीपतियाव गांव में गोपीपतियाव पंचायत में जौन 15 साल से व्यवस्था गड़बड़ बा जमना के धरातल पर कौनो किसान खातिर ना आज तक ले सम्मान निधि योजना भइल बा ना किसान के आज तक ले कोनो पुरस्कृत कर जला ना किसान के समय से खाद बीज लेहल जला तो हम चाहें आज रउआ मैच बॉक्स के माध्यम से तमाम देवता तुल्य मतदाता लोग से कि रउआ आवे वाला 1 दिसंबर के श्री विद्याशंकर सिंह पुत्र गुलशन कुमार जी सामाजिक कार्यकर्ता बा उनकरा के एक एक वोट दी और जौन मुखिया जी आज अपन वादा पूरा कैले बनी हमें पूरी जनता के सामने रहा और मैच बॉक्स में कहतनी कि हमनी के 15 साल बनाम 5 साल में पूर्ति ना करम सो तो फिर जीवन में हम कभी वोट ना मांगेम आ कभी चुनाव हम ना लड़ेम इहे रउआ माध्यम से कहे के चाहते बहुत धन्यवाद। का कुछ कहे के चाह सबसे पहले तो पहले रुआ चैनल में रुआ बोले के मौका मिला ये खातिर रुआ को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे मुखिया जी रांधा कुमार शाह जी के कमर कमरों द्वारा एक घाट के निर्माण हो गई छठ माई के निर्माण हो गई मठिया तक जाए के रास्ता ना रहे वो बहुत मशक्कत के से वो रास्ता निकाल देनी ऐसे ये पोखरा के जीर्णो द्वार कर देनी ये सबसे बहुत हमारा पंचायत चाहे हमारा गांव के लोग बहुत खुश बाटे हम भी खुश बानी हम चाहतानी कि आवे वाला समय में फिर दोबारा हमार रंदा मुखिया जी बनी। चलिए तो देखिए शानदार तरीका से छठ घाट के निर्माण भइल बा और ऐसा ही काम के जरूरत बा हालांकि अब तो मुखिया जिलों में भी कंपटीशन के भावना जाग गिल बा मुखिया जिलों कंपटीशन कर कर के आ बढ़िया काम करा रहल बनी तो ये नीमन काम भइल बा एकर सराहना जरूर होके के चाहिए।